नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 5000 प्रश्न उत्तरी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे थे, तो अब तक हमने 650 प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट लगा लिया था 50-50 करके। तो आज हम 651 से 700 यानी आज भी 50 प्रश्न के ऊपर मॉक टेस्ट लगाएंगे। और प्रीवियस वीडियो के लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ में अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो चलिए आज के मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, साहित्य सर्जन आलोचनात्मक रचना किसकी है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। और ये मॉक टेस्ट हम आलोचना और निबंध से संबंधित प्रश्नों के ऊपर लगा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, इलाचंद्र जोशी की ये साहित्य सर्जन आलोचनात्मक रचना है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। किस वर्ग के आलोचक माने जाते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो ये माने जाते हैं प्रगतिवादी आलोचक। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नई कविता के प्रतिमान आलोचना ग्रंथ किसका है, अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। नई कविता के प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है, तो ये है लक्ष्मीकांत वर्मा का। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक बताने हैं आपने, इतिहास और आलोचक पुस्तक के लेखक कौन है इन चार विकल्प में से, तो ये हैं नामवर सिंह। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक आलोचना के जनक कहे जाते हैं, व्यवहारिक आलोचना के जनक किन्हें कहे जाते हैं, तो ये कहे जाते हैं बालकृष्ण भट्ट को। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और किसी भी प्रश्न के उत्तर अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप किताब खोल के दोबारा से उस यूनिट को यानी कि आलोचना और निबंध टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, इस आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष क्या है, इन चार विकल्प में से देख के बताना है। हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष बताना है आपने, तो ये है 1910। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आधुनिकता और हिंदी साहित्य किसकी रचना है, आधुनिकता और हिंदी साहित्य किसकी रचना है, तो ये है इंद्रनाथ मदान की। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नामवर के विमर्श किसकी रचना है, नामवर के विमर्श किसकी रचना है, ये चार विकल्प हैं, देख के बताइए किसकी रचना है, तो ये सुधीश पचौरी की रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ नागेंद्र का है, नागेंद्र का ग्रंथ बताना है इन चार विकल्प में से, तो नागेंद्र का जो ग्रंथ है वो है नई समीक्षा नए संदर्भ। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, रीतिकाल की भूमिका रस सिद्धांत कमायनी के अध्ययन की समस्याएं नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसकी रचना है, इसके मतलब रचनाकार कौन है इन चार विकल्प में से, ये जो रचनाएं दी गई हैं आलोचनात्मक ग्रंथ दिए गए हैं ये किस रचनाकार के हैं, तो ये हैं डॉक्टर नागेंद्र के। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, और ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं डॉक्टर नागेंद्र के आलोचनात्मक ग्रंथ, कौन सा युग हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग स्वर्ण काल है जिनमें कहानी उपन्यास नाटक निबंध आलोचना सभी का खूब विकास हुआ है, बताना है आपने वो कौन सा युग है हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का वो कौन सा स्वर्ण काल है जिसमें खूब विकास हुआ है इन विधाओं का, तो वो है प्रसाद युग। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं, पृथ्वी पुत्र किसका निबंध है जिसमें एक स्थान पर कहा है विदेशी विचारों को मस्तिष्क में भरकर उन्हें अधपके ही बाहर उंडेल देने से किसी साहित्य का लेखक लोक में चिर जीवन नहीं पा सकता, हिंदी साहित्यकारों को अपनी खुराक भारत की संस्कृति और प्राकृतिक भूमि से प्राप्त करना चाहिए, बताना है आपने एक किस निबंधकार का है, किसका कथन है ये, तो ये है निराला जी का। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है, इन चार विकल्प में से पहला आलोचक बताना है, तो वो है भारतेंदु जी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक इनमें से कौन सी है? हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक तो ये है नैज़धेय चरित्र, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रसमीमांसा किस विधा की रचना है? रसमीमांसा किसकी है ये भी पता होना चाहिए, किस विधा से है, तो ये एक आलोचनात्मक विधा है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा? तो ये कहा है इन चार विकल्प में से मिडिल्टन मरे ने, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को किस आलोचक ने राष्ट्र की नवचेतना का युग कहा है? तो ये कहा है रामविलास शर्मा जी ने, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे करें इससे पहले जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मॉक टेस्ट लगाने के लिए। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, डॉक्टर नागेंद्र की आलोचना कृति नहीं है, इन चार विकल्प में से नहीं पूछा है, नहीं है इन चार विकल्प में से कौन सी? वो है साहित्य की समस्या, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये डॉक्टर नागेंद्र की नहीं है। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान में किस लेखक को केंद्र में रखकर आलोचक हिंदी कविता को समझने का प्रयास किया? तीन विकल्प ये हैं, चौथा ये है, निराला प्रसाद भुक्तिबोध, महादेवी वर्मा, इनमें से जो सही उत्तर होगा वो है मुक्तिबोध, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, साहित्य के क्षेत्र में जो भी उपज हुई वो उसे भली भांति देखना या उस पर विचार करना ही आलोचना है, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशुद्ध आलोचना ग्रंथ किसका है? विशुद्ध आलोचना ग्रंथ तो यह है भक्तमाल का, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हित तरंगणी के लेखक कौन है? हित तरंगणी के लेखक तो ये हैं कृपाराम, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किशोरी लाल गोस्वामी के तारा उपन्यास की आलोचना करते हुए किसने उसे कलंक भरी पोथी कहा? देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा मैंने, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर है बालमुकुंद गुप्त, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनस्थिरता शब्द को लेकर उठा विवाद द्विवेदी जी के किस रचना में या किस रचना से संबंधित है? इन चार विकल्प में से तो ये संबंधित है भाषा और व्याकरण से, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के प्रिय संस्कृत कवि कौन है जिनकी रचनाओं को उपजीव मानकर उन्होंने अपने मूल्यांकन के प्रतिमान विकसित किए? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, तो वो हैं वाल्मीकि और भवभूति, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपने विश्व दृष्टि के कारण शुक्ल जी स्वयं आधुनिक मनुष्य बनने में असफल रह गए, किसका कथन है? किसका कथन है इन चार विकल्प में से? तो ये है नीलकांत का, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नया साहित्य नए प्रश्न किसकी आलोचना है, किसकी आलोचना कृति है, ये आपने बताना है। तो ये चार विकल्प हैं, आलोचक के नाम दिए हुए हैं चार विकल्प में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, नंदुलारे वाजपेयी की ये आलोचना कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किसकी है ये? तो ये है निर्मला जैन की, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास किसकी आलोचना है? हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास किसकी आलोचना ग्रंथ है? तो ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया?
तो ये किया शुक्ल जी ने, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आलोचना के जनक, आधुनिक आलोचना के जनक बताइए कौन है, तो ये हैं हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साहित्य क्यों किसकी कृति है ये, तो ये है विजय देव नारायण शाही की, विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतेंदु के कश्मीर कुसुम, उदय पुरुदय, कालचक्र, बादशाह, दर्पण आदि किस श्रेणी के निबंध हैं, ये आपने बताना है। भारतेंदु के ये जो निबंध हैं किस श्रेणी में आते हैं, तो ये आते हैं ऐतिहासिक श्रेणी में, हाँ ऐतिहासिक श्रेणी में, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के वैद्यनाथ धाम, हरिद्वार, सरयू पार की यात्रा आदि किस श्रेणी के निबंध हैं, अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए, तो ये विवरणात्मक श्रेणी के हैं, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतेंदु का कंकण स्त्रोत किस श्रेणी का निबंध है, बताना है आपने किस श्रेणी का निबंध है कंकण स्त्रोत, तो ये है व्यंगपूर्ण वर्णात्मक निबंध है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का नाटक वैष्णवता और भारतवर्ष आदि किस श्रेणी के निबंध हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर, तो ये विचारात्मक निबंध है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैला ठेला वकील किसके वर्णात्मक निबंध हैं, ये चार विकल्प दिए हुए हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए देख के, तो ये बालकृष्ण भट्ट के वर्णात्मक निबंध हैं, मैला ठेला वकील, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आंसू चंद्रोदय, सहानुभूति, आशा, माधुर्य, खटका किसके भावात्मक निबंध हैं, तो ये बालकृष्ण भट्ट के भावात्मक निबंध हैं, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता, कल्पना शक्ति, तर्क और विश्वास किसके विचारात्मक निबंध हैं, अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए किसके विचारात्मक निबंध हैं, तो ये है बालकृष्ण भट्ट के विचारात्मक निबंध हैं, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जन साहित्य को जन भाषा में लिखने वाले निबंधकार में किसका नाम सर्वप्रथम आता है, जन साहित्य को जन भाषा में लिखने वाले निबंधकारों में किसका नाम सर्वप्रथम आता है, तो ये आता है प्रताप नारायण मिश्र का, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण नामक पत्र निकालकर उसमें किसने अपने छापे थे पत्र, तो ये छापे थे प्रताप नारायण मिश्र ने, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने नाक, भो, वृद्ध, दांत, पेट, मृच आदि छोटे छोटे विषयों पर बढ़िया मनोरंजन और उच्च उद्देश्य को लिखकर निबंध लिखे, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, तो ये लिखे प्रताप नारायण मिश्र ने, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसकी शैली में घरेलू बोलचाल की शब्दावली तथा पूर्वी बोली की कहावतों और मुहावरों का प्रयोग अधिक मिलता है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर, तो ये मिलता है प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपने निरालेपन के लिए याद किए जाते हैं निबंधकार जो नागरी, नीरद और अनंत कदमनी नामक पत्र निकालते थे जिसमें इनके निबंध छपा करते थे, ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है प्रेमघन जी के बारे में, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह निबंधकार शिव शंभू के नाम से भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा लिखा करते थे जो हास्य व्यंग के बहाने शिव शंभू का चिट्ठा नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए, अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किसके नाम से पुस्तक प्रकाशित हुआ, तो ये बाल मुकुंद गुप्त, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यमपुर की यात्रा नाम से निबंध किसने लिखा जिसमें धार्मिक अंधविश्वासों का बहुत मजाक उड़ाया है, धार्मिक विचारों के लोग गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करते हैं, इसमें कुत्ते की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार कराई गई है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, तो किसने लिखा है ये, तो ये लिखा है राधाचरण गोस्वामी ने, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसने अंग्रेज लेखक बेकन के निबंध का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया,
इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किसने अंग्रेज लेखक बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया? तो ये किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के प्रमुख निबंधकार हैं? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किस युग के प्रमुख निबंधकार हैं? तो ये हैं द्विवेदी युग के। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने अपने निबंधों और समालोचनाओं के द्वारा सबसे मुख्य काम इन्होंने भाषा सुधार का किया? इन चार विकल्प में से बताइए। तो ये किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल किस प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं? बताना है आपने, किस प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं विचारात्मक निबंधकार। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो की फीडबैक कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।